क्लास 11 अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 9 फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहां आएगा सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हम फर्स्ट उसमें एसेट साइड में कॉलम बनाएंगे, हमारा ट्रांजेक्शन सेम है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, वैल्यू है हमारे पास 1,20,000। अब ये ट्रांजेक्शन हर क्वेश्चन में हम कर रहे हैं तो कैसे पुट करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे 1,20,000 और कैपिटल में ऐड करेंगे 1,20,000। न्यू इक्वेशन बनाएंगे, न्यू इक्वेशन, ये वैल्यू आ जाएगी 1,20,000 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1,20,000। परचेज गुड्स फॉर कैश, अब ये बहुत इजी ट्रांजेक्शन है, स्टॉक का कॉलम बनाएंगे, यहां लिखेंगे परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में माइनस करेंगे 10,000, स्टॉक में प्लस करेंगे 10,000। यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन, 1,20,000 माइनस 10, ये आएगा 1,10,000, ये आएगा 10,000 और ये आएगा 1,20,000। रेंट रिसीव्ड, अभी तक हम रेंट पे कर रहे थे, यहाँ क्या हुआ है, थर्ड ट्रांजेक्शन में रेंट रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है मतलब हम कैश में भी प्लस करेंगे, इनकम है, कैश में प्लस करेंगे 5,000, कैपिटल में भी प्लस करेंगे 5,000। दोबारा बनाएंगे न्यू इक्वेशन, ये आ गया 1,15,000, 10,000 और 1,25,000। ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, अब कोई अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है तो लायबिलिटी में कॉलम बनाते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग, यहां वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग को हम 200 है तो आउटस्टैंडिंग के कॉलम में प्लस करेंगे, कैपिटल से माइनस करेंगे, फिर बनाएंगे न्यू इक्वेशन। थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, आगे के चैप्टर्स इतने लेंदी नहीं होते हैं पर ये चैप्टर बहुत लेंदी हो जाता है। तो ये आगे 1,15,000, 10,000, 200 एंड 1,24,800। सोल गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 फॉर 7,000, हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखेंगे सोल गुड्स फॉर कैश, गुड्स थे 5,000 के और हमने बेचे हैं 7,000 में, पैसे मिलेंगे 7,000, तो कैश में ऐड करेंगे 7,000, स्टॉक में से माइनस करेंगे 5,000, प्रॉफिट हुआ है 2,000 का, उस प्रॉफिट को ऐड करेंगे हम कैपिटल में 2,000। यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन, यह आ गया 1,22,000, ये आ गया 5,000, 200 और 1,26,800। अब लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, अभी तक हमने करी नहीं है, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर मतलब गुड्स खराब हो गए हैं, अगर गुड्स खराब हो गए हैं, लॉस बाय फायर हो गया, गुड्स खराब हो गए हैं तो स्टॉक में से माइनस करेंगे क्योंकि स्टॉक का नुकसान है, और क्योंकि हमारा लॉस है इस लॉस को हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। अब बनाएंगे हमारी फाइनल इक्वेशन जो कि हमारा आंसर होगा, फाइनल इक्वेशन,
1,22,045, 200, 1,26,300। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू।